हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पिंकू मन विस्ट ब्लॉग में अभी सभी का स्वागत है। आज तबीयत ख़राब है थोड़ा, तो देखते हैं आज क्या क्या होता है। मिलती हूँ मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। मम्मी अभी दूध निकाल के नहीं आई, तो मैं झाड़ू मार लेती हूँ। तो मैंने झाड़ू वाड़ू तो मार लिया है। अब मैं गर्म पानी पी रही थोड़ा, क्योंकि सुबह उठ के बोलते हैं कि गर्म पानी पीने से सेहत के लिए अच्छा होता है। और वैसे तो आज का पीना जो ठंडू के टाइम की सर्दी लगी है मुझे, तो मैं तब पी रही हूँ। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, पर पीना ज़रूरी होता है। और इसके बाद मैं चाय पीती हूँ, तो उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। अभी मम्मी दूध निकाल के नहीं आई, तब तक मैं रोटी रोटी बना लेती हूँ। तो मैं अब आटा गूंथ लेती हूँ, और सब्जी दाल है हमारी, तो उस दाल को मैं फ्राई करूँगी रात के, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। तो मेरे रोटी और परांठे बन गए हैं। ये है घर की दाल, तो ये है गैद की दाल, और ये है रोटी और परांठे। हाँ, हम रोटी खाते हैं। तो मैंने नाश्ता कर दिया, अब मैं जाऊँगी गोबर डालने। आज भी गोबर, क्योंकि बहुत सारे खेत हैं, तो उसमें गोबर तो बहुत सारे मम्मी तो डालने, क्योंकि मम्मी के हाथ पर, मम्मी की तबीयत भी सही नहीं है, और मेरा मौसम चेंज होने के मुझे भी जुकाम है। पर मैं फिर भी काम कर ही रही हूँ, थोड़ा बहुत लेट नहीं हूँ। मम्मी भी कर ही रही है, पर उनका पैर दर्द है, तो उतना गोबर नहीं उठा पर बाहर भी, तो मैं ले जाऊँगी आज भी। तो बहुत सारे खेत हैं, तो ऐसे ही 2-3 दिन खेतों में ही, उसके बाद घास फूस काटना है। और मिलती हूँ मैं आपको, आप गोबर डालते हुए। आज मेरी तबीयत थोड़ा सही है, कल से गर्म पानी पिया तो आज बेटर है, थोड़ा जुकाम जुकाम नहीं है, ठीक है। तो चलो चलते हैं। मेरे पापा सुबह उठ के चाय पी के एक भारा घास ला गए। आज रोज जाते हैं, पर कल नहीं गए थे, कल मैं लाई, पर आज वो ला गए एक भारा। उसके बाद वो अपने काम के लिए जाते हैं, पता ही होगा उनका, वो ऐसे ही काम करते हैं घर घूर बनाने के। और मैं अब जा रही हूँ गोबर डालने, और मम्मी अब आएगी उस घास को लेके, तब तो मैं चले जाती हूँ। चलो, ये है नेहा और नितिन, स्कूल जा रहे हैं। बचपन की यादें आ गई होगी, ऐसे ही हम भी रोटी का मुरली बना के खाते थे, वैसे वो दो भी खा रहे। और उनकी मुंह की हंसी देखो, इधर देखो, हेलो करो, गुड मॉर्निंग बोल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो आप सभी लोग? हम दो कॉमेडी को देखते रहे और हम दो कॉमेडी को देख रहे। तो ये अब स्कूल जा रहे हैं, तैयार तो हो गए, और रोटी खाते खाते ऐसे हम भी जाते थे। तो बचपन बहुत अच्छा होता है, समझ सकते हो। अब तो सब कुछ का तो उनकी मुस्कान, तो बाय करो, बाय, अच्छे रहे बोल, आप स्वस्थ रहे बोल, अच्छे रहिए, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे। दीदी का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये स्कूल जा रहे हैं, चलो हम भी जाते हैं, मिलते हैं आपसे। तो ये दोनों स्कूल जा रहे हैं, यहाँ से दो ही बच्चे हैं, तुम गांव छोटा है, तो यहाँ से दो आधे उधर गांव से, तो बाय का बाय बाय। तो चले गए हैं इधर, तो स्कूल जा रहे हैं। स्कूल में इनकी मम्मी जा रही है इनको भेजने, तो मैंने गोबर का सोल्टी भर ली। अब मैं जा रही हूँ, यहाँ से बहुत दूर है रास्ता उधर को, तो खेत में मिलती हूँ मैं आपसे। तो एक चक्कर फेंक के आगे मैं, और मेरे साथ दादी भी आ रही, दादी अपने खेत ले जा रही और मैं अपने। तो यहाँ देखिए अभी बहुत सारे खेत हैं अभी, तो यहाँ आपको, तो पापा ने घास झाड़ का और मम्मी ले जा रही है भैंस को वॉट। और चलो, तो मैं ये खेत डाल अभी यहाँ से, उधर से 5 सोल्टी आ गई, अभी ये इतना बचा है, देखते हैं तो कितने आते। और पसीने भी बहुत आ गए, दूर है यहाँ थोड़ा घर से, तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर। तो अभी हम दूसरे खेत में आ गए, इधर पे कोड के इधर पे, और मेरे साथ आ रखी है मंजू चाची, ये देखिए
गोबर को खेत में डाल लिया। तो धूप भी अच्छी है, नाक भी अच्छी है अभी थोड़ा, क्योंकि धूप की वजह से थोड़ा ठीक हूँ। तो मिलते हैं। और ये फर्स्ट खेत है हमारा घर के नीचे, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड, फिर उधर साइड। तो चार खेत हैं यहाँ। और जहाँ मैं फर्स्ट सुबह गई थी वहाँ एक है, वहाँ भी बचा है तो देखेंगे बाद में। तो अभी वो खेत पूरे नहीं है, एक चक्कर और जाना है हमें उधर, जो तीन चार है। और ये चाची देख सकते हैं आप, देख सकते हैं अभी गोबर बहुत है। जो यहाँ पर गोबर का ढेर था वो भी हमने ख़त्म कर दिया, और टाइम भी 2 बज गई और गोबर का ढेर भी ख़त्म हो गया यहाँ से। तो लग रहे होंगे आपको हम पहाड़ी बिंदास। तो ये ऊपर वाला, ये दूसरा, ये है तीसरा, और ये उधर वाला चौथा। तो ये चार खेत हमने फिनिक्स कर दिया मंजू देवी ने। ये देखिए, ये है चाची, और ये हो गए हमारे चारों खेत ख़त्म। आप घर के उधर जहाँ पर ले जा रहे थे सुबह, वहाँ है दो एक। अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, थकान लगी है थोड़ा। आज 2-3 दिन से आज भात खाऊंगी, क्योंकि आज मम्मी घर है नहीं, तो और दिन मम्मी नहीं रहती, तो आज बना रखा है भात। आज मन भी कर रहा है भात खाने का, तो आज भात खा लेती हूँ। तबीयत भी थोड़ा ठीक है आज, जुकाम जुकाम सही हो गया। तो ज़्यादा हंसते भी नहीं हैं, दांत भी नहीं मजे। तो चलो जो भी है, तो लाइक कमेंट करें आप। तो हमने भात खा लिया, हमें धूप सेक रही और अंकुरोट भी खा रही हूँ। आ जाइए अंकुरोट खाने। तो आज मम्मी कर रही है बर्तन साफ, ये देखिए। मैं खा रही हूँ अंकुरोट, ये है, आ जाइए। और हमने जो अंकुरोट खा के, अभी धूप भी चलेगी, अभी एक या दो चक्कर थोड़ा गोबर लाते हैं चाची और मैं। मैं सोच रही मैं किस चेहरा ऐसे, क्यों मेरी बिंदी भी हट गई है मुँह धो के। तो हम जा रहे हैं, अभी ठंडा भी होने बैठ गया क्योंकि धूप चलेगी। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। हम एक चक्कर गोबर ला गए, ये देखिए। अभी ये खेत भी बहुत बड़ा उधर था नीचे भी। तो आज तो हो गया ख़त्म, कल देखते हैं। तो ये है चाची जी, और धूप भी चलेगी है। धूप तो कब पता नहीं चाहिए उधर की, धूप कब कब का चला। तो ठंडा भी होने लग गया है टोपी। भिंडी तो मेरी है ही नहीं, चलो कोई नहीं, हाथ भी देखिए। चलो तब, अब अंधेरा भी हो गया, एक चक्कर और मारते हैं, फिर लकड़ी निकालते हैं, फिर दूध भी निकालना है। तो ये है हमारी मुन्नी, ये देखिए मारने के लिए कैसे करी मुँह। ये हमारी मुन्नी, इसकी बच्ची, और ये उसकी, यह है उसकी बिगड़ी बच्ची, हाँ ये उसकी मम्मी, ये देखिए। तो नहीं बदला है कि, तो हमने लकड़ी का बहारा भी लगा दिया जलाने के लिए, और ये चाची जी ने भी लकड़ी का बांस, ये जैसे बांस लाते तो उसको इनके पत्ते भैंस खा लेते हैं, उसके बाद ये सूख के जलाने के काम आ जाते हैं। तो एक साथ दो काम हो जाते हैं। और ये आंटी जी ने भाड़ा लगा दिया, देख सकते हो अंधेरा भी हो गया। तो आप समझ चुके होंगे पहाड़ियों की लाइफ बहुत ही मुश्किल है। मम्मी दूध निकाल लिया उधर, और हाँ अंदर, मतलब उसके अंदर, और हम जाएंगे घर, फिर आऊँगी मैं दोबारा एक कट्टे को लेने, वो भैंस के लिए पियोना चोकर। तो आप समझ चुके होंगे यहाँ की लाइफ बहुत ही मुश्किल है। तो चलो घर जाते हैं, अब इसको रख देती हूँ मैं घर, फिर आती हूँ। मम्मी ने दूध निकाल दिया, और ये है मेरी माता श्री। अब मैं इस चोकर के कट्टे को घर ले जाती हूँ, भैंस के लिए चोकर आ रही पीमा। तो इसको यहाँ रखा था, तो यहाँ चूहों ने उसका छत्या नाश कर दिया कट्टे का। ये देखिए कट्टे की कटिंग हो गई पूरी। तो इसको घर ले जाते हैं, इस कट्टे में डाला का मम्मी ने, इसको हम घर ले जाएंगे। अब घर जाते हैं हम। तो हम आ गए हैं, अब पानी गर्म करते हैं, थोड़ी चाय बनाते हैं, उसके बाद रोटी सब्जी, उसके बाद सो जाते हैं। तो मैं ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ, कल मिलती हूँ आपसे कल सुबह।
नई वीडियो के साथ, नई व्लॉग के साथ। तब तक बने रहे मेरे साथ और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। बाय, गुड नाइट।